हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम एक क्लॉक बनाएंगे जो आपको आपका जो लोकल टाइम होगा वो बताएगा, जो भी आपके पास होगा, ठीक है, आपके पीसी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक मैं इन सब वायल्स को जो है जल्दी जल्दी इसके साथ अटैच करूँगा। ये बॉडी से बाहर चला गया, आप इसके बॉडी के साथ ऊपर नीचे कहीं भी इसको अटैच कर दो अपनी ऐप डॉट जी एस को। और यहाँ पे जो है हम सबसे पहले जो है एक क्लॉक कंटेनर बनाएंगे इधर इसके साथ, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है एक मैं आईडी लूँगा क्लॉक की, एंड देन एक क्लास लूँगा क्लॉक की, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास अभी कुछ होगा नहीं, लेकिन इसको मैं फिर भी अपने नाइस सर्वर में ओपन करूँगा। अगर वो दिखता रहे कि इसके अंदर हो क्या रहा है एक्चुअल में, तो यहाँ पर जो है अभी कुछ है ही नहीं, तो होगा भी कुछ नहीं। लेकिन इसके अंदर यार हम थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करेंगे, तो आपको इसके अंदर का जो कंटेंट है जब हम उसको जावास्क्रिप्ट से लेके आएंगे तब आपको दिखता रहेगा। तो यहाँ पे चलूँगा हम सी एस एस के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारी बॉडी है, इसको सेंटर में लेके आने के लिए हम करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर डिस्ट्रीफाई कंटेंट सेंटर। अगर आपको नहीं पता कि डिप के अंदर डिप को सेंटर कैसे करते हैं, तो इसकी ये वीडियोज़ है चैनल के ऊपर, दो तीन हैं, आप उसको देख लेना। अगर आपको मिले तो ठीक, नहीं तो आप बता देना, मैं दोबारा एक और बना दूँगा, ठीक है। इसके हाइट रखेंगे 100 VH, एंड देन इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप कर दो ब्लैक कर दो, ठीक है। मैं ब्लैक ही कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है ब्लैक नहीं करेंगे इसको, F0 F0 F0, ये कुछ ग्रे ग्रे सा कलर है वो आएगा। एंड देन यूनिवर्सल ऑपरेटर लगा दो, या इसी के अंदर आप मार्जिन पैडिंग वगैरह को जीरो कर दो। तो अगर यूनिवर्सल ऑपरेटर लगा दोगे देन इट्स गुड, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है किसी भी काम के लिए, ठीक है। आप ये भी आप इसको इस अंदर यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा क्लॉक कंटेनर है, इसको डिस्प्ले करेंगे फ्लैक्स, इसके जो अलाइन आइटम है उसको करेंगे सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनर उसको भी सेंटर कर दूंगा। एंड देन इसकी जो विड्थ है उसको 300 पिक्सल कर दो, हाइट भी 300 पिक्सल कर दो, एंड देन बॉर्डर जो है उसको कर दो 5 पिक्सल सॉलिड। एंड देन तो ये हमारे पास है कलर एक, ठीक है, ये आ गया। एंड देन उसके बाद जो है हमारे पास हमारा बॉर्डर रेडियस है उसको कर दो 50%। एंड देन उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर उसको करो वाइट, तो एक दायरा सा बनेगा जी हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास है एक कलर, एंड देन बॉक्स शेडो इसके अंदर मैं डालूँगा 0, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल का फिला होगा। एंड देन RGBA, एंड देन इसके अंदर जो है 0, 0, 0 and 0.1 का। नाउ इट्स लुक गुड, ठीक है, इसके अंदर ये आ गया। और उसके बाद जो है हमारा जो क्लॉक है डॉट CLOCK क्लॉक, इसके अंदर जो फॉन्ट साइज है उसको कर दो 3 RF, एंड देन कलर वो जो हमने ऊपर रखा था 3-3 वाला ये वाला, एंड टेक्स्ट लाइन, एंड टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। इसके अंदर जो है अभी टेक्स्ट जो भी आएगा कलर हमारा डेटा वो इसके अंदर चला जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आप एक काम करो, एक फंक्शन बनाओ अपडेट क्लॉक के नाम से बना लो, किसी भी नाम से बनाओ, ठीक है। मैं क्लॉक के नाम से बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन का लिखा है, फंक्शन होगा हमारे पास हमारा क्लॉक, ठीक है। इसको यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं इनिशियली और के ऊपर यहाँ पे इसको मैं कॉल भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, इस फंक्शन के अंदर कॉस्ट मारा क्लॉक CLOCK क्लॉक, ओके। एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है हमारी, ठीक है। उसके अंदर जो है हमारे पास है हमारा क्लॉक, इट्स गुड, ये वाला इस क्लॉक को इसको मैं लेके जाऊँगा इधर, यहाँ पे आएगा हमारा क्लॉक। एंड देन उसके बाद जो है इसके अंदर से डेट वगैरह को कैसे निकालें, नाउ उसके बाद जो है न्यू, एंड देन डेट वाला डेट आ गया हमारे पास हमारी डेट, ओके। एंड देन लेट आवर्स निकालेंगे इसके अंदर से, तो आवर्स के लिए क्या करेंगे हम, इक्वल टू नाउ डॉट गेट आवर्स, यहाँ पे जो है हमारे पास होगा हमारा गेट, एंड देन आस और ही के अंदर है। और उसके बाद जो है हमारे पास है लेट मिनट इक्वल टू है हमारा नाउ डॉट, हमारे पास है हमारा
गेट, वो होगा हमारे पास मिनट्स, इन सब को जो है ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद जो है हमारे पास है लेट सेकंड इक्वल टू नॉ डॉट गेट द सेकंड, ओके। और उसके बाद जो है ना इन सब को जो है मैं कॉस्ट, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, इक्वल टू करूँगा मैं उसको यहाँ पे एक यग, एंड देन उसके बाद जो है हमारे पास जो है ये, इसके अंदर मैं लिखूँगा सबसे पहले पास, और यहाँ पे ये डालेंगे, डॉल नंबर आएंगे, फिर ये लिखेंगे, उसके बाद लिखूँगा वहाँ मेन, एंड देन उसके बाद दोबारा ये लिखेंगे, डॉलर का साइन लगाऊंगा, तो यहाँ पे जो है हमारे पास आएगा सेक, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद जो है क्लॉप के अंदर जो है मैं इसको क्लॉप डॉट इन एचटीएमएल इक्वल टू टेक्स्ट कंटेंट कर सकते, ये भी कर सकते, इसके अंदर कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, व्हाट्स हैपनिंग? क्लॉक चक हो रहा है, अपडेट क्लॉक, अब जो है इसको सेट इंटरवल वेट एंड वॉच, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग करूँगा, यहाँ पे आ भी रिया वाले स्ट्रिंग स्ट्रिंग, कुछ एरर है, एरर दिख रहा है कुछ, देखेंगे, डेटा इज नॉट डिफाइंड, कौन सा डेटा नहीं दिखा रहा है, डेटा है, ये डेटा लिखा हुआ मैंने इसको, इसको डेट करना है, इस वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा था, इसको डेट करूँगा मैं, तो ये इसका कलर भी चेंज हो गया, अब जो है यहाँ पे टाइम भी आ गया, ओके। अब इसको अगर जितनी बार रिफ्रेश करोगे ना, तो यहाँ पे ये देखो ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है, इसको बार बार रिफ्रेश करने के बजाय ना हम इसको इसके सेट इंटरवल में डाल देंगे, ठीक है, तो ये जो है ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे चलता रहेगा, इसको मैं डालूँगा सेट इंटरवल, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा रहेगा हमारा क्लॉक, और ये होगा हर एक सेकंड के बाद अपडेट। आओ देखते हैं अभी क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे आ भी रहा है, यहाँ पे ये देखो साथ साथ में यहाँ पे अपडेट भी हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको जो है इसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक वो लगा सकते हैं, आप इसके अंदर जो है वो 12 बजे वाला जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कंसोल, तो सबसे पहले कंसोल हटा दूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये जो हमारा आवर्स है, या फिर उनके अंदर जो हम लगा सकते हैं कि आवर्स इक्वल टू आवर्स इज लेस देन 10, वो देन फिर अगर जैसे ही, तो उसके बाद जो है इसको 0 प्लस आवर्स एंड देन आवर्स एंड देन आवर्स, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद जो है इसी को कॉपी करके ना यहाँ पे मिन डालूँगा, यहाँ पे सेकंड डालूँगा, यहाँ पे जो है ना इसको भी मिन करेंगे, और यहाँ पे सेकंड कर दूँगा, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड मिनट मिनट, ठीक है, मिन मिन एंड देन सेकेंड, और यहाँ पे भी ये ज़्यादा पर है सेकेंड, यहाँ पे ये हमारा टाइम बराबर चल रहा है। तो आप चाहो तो इसके अंदर से ना आप ये निकाल सकते हैं, एक यहाँ पे निकाल नहीं सकते, आप इसका जो हमने एक क्लॉक बनाया था ना, क्लॉक का कंटेनर, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना उसको कर दो ब्लैक, एंड देन इसका जो कलर है ना इसको कर दो वाइट, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ अब ठीक लग रहा है, उससे तो बैटरी लग रहा है वो, तो और यहाँ पे बॉडी का जो कलर है ना उसको भी कुछ ग्रे ग्रे सा दे दो, ये भी सही नहीं लग रहा है, यहाँ भाई अब ठीक है, ये देख लो, ये बन के हो गया रेडी हमारा जो क्लॉक था, और ये वीडियो यहाँ पे हुई कंप्लीट, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।